प्रदेश के हाथरस के रतिभानपुर में भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में खबर लिखे जाने तक 90 लोगों की मौत हो गई। एटा मेडिकल कॉलेज के सीएमओ का कहना है कि सिकंदर राव के पास हो रहे एक महोत्सव में भगदड़ मचने से 90 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अस्पताल में लगातार घायलों को लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को अगर साकार करना है तो व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के चारों स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, सभी में बराबरी के स्तर का, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। अनुप्रिया पटेल पार्टी के स्थापना दिवस पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। यूपी के महाराजगंज जिले के सिसवा विधानसभा से विधायक प्रेम सागर पटेल के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई, जिसके बाद अब शिकायतकर्ता को जान माल का डर सता रहा है। इसके लिए उसने एसपी को पत्र लिखा है। हालांकि विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। दरअसल पड़ोसी जनपद कुशीनगर के निवासी मुकेश जायसवाल ने सिसवा विधायक पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने एसपी से मिलकर विधायक से जान माल का खतरा भी बताया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव में सत्संग के दौरान भगदड़ के हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए बड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसी योगी सरकार में डिप्टी सीएम का दर्जा प्राप्त बृजेश पाठक ने इस नाराजगी जाहिर की है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सरकार के इस फैसले से असहमति जताई और कहा कि इस तरह का अभियान रोका जाना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस समय योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने वाराणसी में कहा कि राहुल गांधी का मिक्स्ड डीएनए है। उनके बाबा फारसी, मां क्रिश्चियन, तो राहुल गांधी क्या हिंदू हुए। यूपी के मंत्री पीएम मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं, इस बयान पर भड़क उठे। दरअसल राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने आज केंद्र की एनडीए सरकार को अयोध्या में भाजपा की हार से लेकर अग्निवीर सहित कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो लोग 400 सीटें जीतने का दावा करते थे, जनता ने उनका गुरूर तोड़ दिया। भाजपा तंज कसते हुए कहा कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। दरबार तो लगा है पर है गमगीन और बेनूर। अखिलेश यादव ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि देश के सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोक दिया। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा में जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। अयोध्या में विपक्ष की जीत को देश के परिपक्व मतदाताओं की लोकतांत्रिक समझ की जीत बताया। इतना कहने की देर थी कि उनके बगल में बैठे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हालांकि अखिलेश यादव जिक्र अयोध्या और भगवान श्री राम का कर रहे थे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा के उम्मीदवार को अयोध्या से हराया है। प्रदेश स्थित हाथरस में हुए हादसे को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में अब इसे लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफी संख्या में लोगों की मौत हुई व अनेकों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आगरा में भी बौद्ध भीम कथा के दौरान एक युवक की हुई हत्या अति दुखद। सरकार इन घटनाओं की जाँच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों की मदद करे। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक एआईयू यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं सभी लोग वीवी पहुंचकर उनको बधाई दे रहे हैं। बता दें कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ये 3 दिवसीय ये 98वीं बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों ने शिरकत की।